हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल वरेंद्र राज व्लॉग्स। और ये बहुत ही बढ़िया व्लॉग है क्योंकि आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर। तो पहले तो हम आपको कहेंगे मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और हमारे दोस्त हैं, सब लोग आए हैं चर्च में, गोंडा में मेथोडिस्ट चर्च है, वहाँ पर हम लोग पहली बार आए हैं। और आप लोग भी पहली बार आए हैं? सच बताओ, पहली बार? नहीं, सुन के रास्ते से आते हैं, ये लोग रास्ते से आते जाते हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं। ये चर्च है मेथोडिस्ट चर्च गोंडा में। तो भाई जो भी है, जैसा भी है, वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखना, तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, ये है मेथोडिस्ट चर्च गोंडा। तो गाइस, बाहर से इस चर्च का लुक कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, मतलब बहुत ही अच्छे टू कलर से पेंट है, बहुत ही अच्छे कलर से पेंट है और सजाया गया है। आज क्रिसमस डे है, बहुत ही अच्छा। वैसे ये शायद हमेशा सजा रहता है शायद? नहीं नहीं यार, आज के दिन से। तो काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, काफ़ी लोग आज क्रिसमस डे के दिन आए हैं। तो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मेथोडिस्ट चर्च ऑफ गोंडा। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर से भी अच्छा है। अंदर मैं अभी गया नहीं हूँ, अभी जाऊँगा तो आप लोग भी चलना। और बाहर से देख कर बहुत अच्छा लग रहा है, टू कलर से पेंट है। काफ़ी लोग आए हैं आज क्रिसमस डे के दिन, सब लोग घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर मेथोडिस्ट चर्च में। और मैं भी आया था अपने फ्रेंड के साथ। और ये सौरभ है, इसका चैनल है द सौरभ, सब्सक्राइब कर लेना हर बार की तरह। और बस अभी हम जा रहे हैं, तो हम लोग चर्च के अंदर आ चुके हैं। चर्च के अंदर का लुक कुछ ऐसा है, बहुत ही बढ़िया, इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भाई चर्च। तो ये है मेथोडिस्ट चर्च का लुक अंदर से, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है इसको। आज भाई क्रिसमस है। और ये देखो यहाँ पर, और ऊपर देखोगे तो ऊपर से भी दिखा दें, फैन लगा है और ऊपर से टाउन हॉल की तरह लग रहा है, ऐसे ही होता ही है चर्च। और यहाँ पर गॉड यहाँ पर है, और ईसा मसीह जी, हाँ ईसा मसीह जी है यहाँ पर। अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से आप बैठ के सेल्फी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर एक ट्री है जो कि रहता है, क्रिसमस डे वाला जो ट्री होता है वो यहाँ पर है, लेकिन अभी वो आपको हम दिखा रहे हैं, अभी दिखाएंगे कुछ देर बाद। यहाँ पर देख लीजिए आप भाई, अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सीट वीट लगी है, यहाँ पर लोग बैठते हैं आके, सीट वीट पे लोग बैठते हैं। और ये है मेथोडिस्ट चर्च अंदर से। यहाँ पर कुछ बजाने के लिए भी रखा है, ढोलक वोलक लाइक बजा सकते हो आप लोग। लाइट वाइट काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लगी है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लाइट है। और ये गॉड है, ये यहाँ पर बजाने के लिए भी रखा हुआ है, काफ़ी लोग सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। तो ये है मेथोडिस्ट चर्च अंदर से। बहुत हमारा लुक बहुत बेकार आ रहा है क्योंकि भाई लाइट ही ऐसी लगा दी है, तो ऐसे ही आएगा। पियानो रखा है भाई, पियानो बजाइए, ये पियानो बजा सकते हैं, किसी से पूछ के बजा लो। रखा तो है यार, बजा लो ना। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत मजा आया, फोटो वोटो शूट कर लेंगे, सबसे बढ़िया जगह है यार। और कुछ खाने गॉड से भी हम विश मांगेंगे कि हमारे जल्दी से भाई सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए, चैनल बढ़ जाए। लेट्स विश द विश मांगना है मुझको गॉड से। ये गॉड हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से चर्च, बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हो काफ़ी लोग आए हैं आज फोटो क्लिक करने के लिए, विश मांगने के लिए। क्रिसमस डे है तो भाई ऐसा तो होता ही है। लेकिन आज 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन आज हम लोग आए हैं यहाँ पर चर्च के अंदर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लाइटिंग्स बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ईसा मसीह जी का वो बना हुआ है, यानी कि जिसको गॉड बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आइए, आप लोग भी विश मांगिए जो भी मांगना हो। काफ़ी अच्छा चर्च है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगता है आके भाई, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया चर्च है। तो कभी अच्छा लगा, हम आए थे, हमारे दोस्त आए थे, दो चार दोस्त जो कि यहाँ पर खड़े हैं। तो भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है आके, सच बताओ भाई, हाउ यू आर फीलिंग? बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला भाई, कुछ खाने को नहीं मिला भाई। चलो अभी खरीद के खा लेना, अभी ये लोग खरीद के खा लेंगे। और आपने क्या विश मांगी? क्या विश बहुत अच्छा, मैंने विश मांगी अभी तक कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अभी भूख लगी है, क्योंकि भूख के आगे कुछ दिखता नहीं भाई। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेनराज ब्लॉग्स में। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। बेटा क्रिसमस जो हमारे लिए इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को मनाते हैं, कि आज से 2000 साल पहले वो हमारे लिए पैदा हुआ। और क्यों पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ कि हमारे पापों से मुक्ति के लिए वो इसलिए आया, ताकि हम इस संसार में शांति पाए, मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक हम भला नहीं करेंगे। भले की शिक्षा देने के लिए वो आया, उन लोगों के लिए आया जो बीमार थे, जो गरीब थे, जो पीड़ाओं में थे, ताकि वे मुक्ति प्राप्त कर सके। अब ये महामारी का समय चल रहा है ना, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी सुनता है। कि बहुत से लोग इस दुख और पीड़ाओं में रहे हैं, कि जिनके परिवार से माता पिता हट गए, अनाथ हो गए, आश्रयहीन हो गए, ईश्वर सबको शांति दे। वो इसलिए आया कि हम शांति पाए। ठीक है, खुदा आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस, थैंक यू। और सर इस चर्च के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब बेटा ये चर्च 1920 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 100 साल से ऊपर हो रहा है अब तो, है ना, 100 साल से ऊपर हो रहा है। 100 साल से हम यहाँ पे आराधना, मैं भी यहाँ पे छोटा था, छोटेपन से आता था, आज ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं यहाँ का पासवान हूँ, है ना। मैंने भी यहाँ से फातिमा स्कूल से पढ़ाई की है, आगे की शिक्षा मैंने बाहर से ली है। तो ये चर्च हमारे लिए ऐतिहासिक है, है ना, एक इतिहास को क्रिएट करता है कि आ हम आए। और यहाँ पे सिर्फ यही संदेश मिलता है जो प्रेम और भाईचारे का। ठीक है, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर। और हम लोगों के लिए भी कुछ सजेशन दे दीजिए सर। बेटा आप स्टूडेंट लाइफ वाले, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना बेटा, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं हम ईश्वर से दूर रहते हैं, हम ईश्वर से की निकटता में आए, उसके प्रेम को समझे कि उसने हमें बनाया क्यों है, हमें क्यों बनाया उसने, हम ये पहले जाने। हमारा आना क्या व्यर्थ तो नहीं? देखो आज संसार में देखो कितनी सबसे दुख की बात है कि जवान पीढ़ियां नशे में खोती हैं। मैं किसी एक की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, सभी जवान पीढ़ियों की ज़्यादातर की रेखा है जो दुख और पीड़ा और नफरतों से घिरे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि लोग पहले जाने धर्म को। जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे, धर्म क्या है? धर्म भलाई को उत्पन्न करना, एक दूसरे का सहायक बनना, मानवता को प्रकट करना, यही हमारा धर्म है, और इससे कोई बात धर्म नहीं। ठीक है, गॉड ब्लेस, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये चर्च के अंदर सीट भी है, जैसे बैठना हो आके तो इधर आप बैठ सकते हो, मतलब चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर ऐसा कुछ बैठने वाला बना है, इस तरह रेस्ट कर सकते हो आगे आप लोग। बाकी इधर से भी एक गेट है अंदर जाने के लिए, लेकिन मेन गेट वही सामने से है, सामने से जाना रहता है। इधर से भी लेकिन एक गेट है, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, मोस्टली पीपल यही कर रहे हैं, मतलब सेल्फी क्लिक कर रहे हैं ये सब। और बैठने वाला भी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है अंदर से, जैसे पेड़ पौधे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। इधर कार्यालय लिखा है, मेथोडिस्ट चर्च कार्यालय, और ऐसा कुछ चर्च इधर से है, सामने से भी आपको दिखा है, और भाई यहाँ से भी बढ़िया बना है एकदम, मतलब अच्छा लगता है आके। ये देखो यहाँ पे घूम सकते हो आप आके। तो गाइज ये है क्रेजी दिव्यांश भाई, इनका नाम है दिव्यांश, इनका चैनल है क्रेजी दिव्यांश। तो इनसे मतलब चैनल पे ही बात बात हुई थी, चैनल है इनका क्रेजी दिव्यांश, ये तो आपको बताइए, बहुत बढ़िया। कैसा वीडियो आप डालते हैं अपने बारे में बताइए भाई? मैं तो लव स्टोरी डालता हूँ, प्रैंक डालता हूँ, अब व्लॉग व्लॉग भी डालता हूँ समथिंग, लेकिन इस बीच में मेरी वीडियो आ नहीं पा रही है, तो भाई की वीडियो में देखता था, भाई अच्छा वीडियो बनाते हैं, जबरदस्त वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है, हम खुद देखें प्रैंक वाली वीडियो। तो भाई मैंने कल शाम को वीडियो डाला है, वो भी बढ़िया व्यूज गया, आप लोग सपोर्ट करिएगा।
अरे जरूर भाई, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, बहुत ही बढ़िया भाई। मेरा चैनल भी है, सपोर्ट करिए, भाई का भी चैनल है वीरेंद्र ब्लॉग, प्लीज इनको भी सपोर्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। जरूर, ज्यादा इनका चैनल मोनेटाइज हो जाए और ज्यादा ज्यादा पैसा कमाए। मेरा लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, प्लीज आप लोग जाइए, वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू। यही कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर आके कैसा लगा, मतलब मैं तो हर साल आता हूँ लेकिन इस बार अकेले आया हूँ। मेरा दोस्त आया भाई अभिषेक, जो कि बड़े दिन बाद हम लोग साल में बार मौका मिलता है यहाँ पे आने का, इसके बाद हम लोग जाएंगे फातिमा, वहाँ पर भी देखेंगे। भाई कैसा लगा इनका ब्लॉग देख के? ठीक है, अभी घर पे जाके देखेंगे। वीरेंद्र भाई ये नया सब्सक्राइबर है इनके भाई, वीरेंद्र भाई के नया सब्सक्राइबर। आपको कैसा लगा कि यहाँ? हमको बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए यहाँ पर। पहली बार, हम भी पहली बार आए, हम भी इससे पहले नहीं आए थे यार। अब पहली बार आयो ना, लेकिन अब हमेशा आओगे, हर साल आओगे। ये गोंडा में चार चर्च चर्च है, देखिए सबसे बड़ा चर्च तो ये गोंडा का, इसके बाद फातिमा स्कूल है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और द क्रेजी दिव्यांश को सब्सक्राइब कर लेना और द सौरभ को भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे इस चर्च का टाइम है खुलने का 10 से 12, तो आप कभी भी आ सकते हो, 10 से 12 के बीच में कभी भी चर्च में आ सकते हो, खुला रहेगा। जाओ, गॉड से विश मांगो। बस इतनी सी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।